इस देश की सबसे बड़ी ट्रेजडी ये है कि जो आदमी घर गृहस्थी नहीं चला सका वो देश चला रहा। मोदी ऐसा बेईमान कोई धरती पर नहीं पैदा हुआ होगा। भारत सरकार भारत को मजबूत नहीं बना रही, भारत को अपाहिज बना रही है। बेरोजगारी का डाटा ही नहीं दे पा रहे अभी तो, ये 2011-12 के बाद से। अभी तक हमारे नेशनल सर्वे के 2 मेंबर इस्तीफा दिए, इसके बावजूद बेरोजगारी डाटा कमा रहे हैं। करीब 1 करोड़ प्रतिवर्ष बल जो बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षित बेरोजगारी अलग जाएगा, दस बेरोजगार अलग है, प्रचंड बेरोजगारी अलग है, किसी भी बेरोजगारी में कोई निवेश नहीं हो रहा है। जब तक सरकार निवेश नहीं करेगी, चाहे गवर्नमेंट निवेश हो या प्राइवेट निवेश हो, तब तक हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार है। वो चाहेंगे नहीं कि क्या कहते हैं हम रोजगार पैदा करें, वो तो सारा सिस्टम प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, इसलिए रोजगार दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। बेरोजगारी का डाटा क्यों छुपाया जा रहा है? डाटा तो दिखाओ कम से कम, बेरोजगारी कम है ज्यादा है वो जो भी हो, लेकिन डाटा तो दिखाई कम से कम। ना 2017 का डाटा दिखाया, ना 2018 का दिखाया, और उसी के साथ साथ अगर आगे देखा जाए तो किसानों की जो डेथ है उसका भी डाटा नहीं दिखा रहे, रफेल की जो रेट है वो भी नहीं दिखा रहे, डाटा क्यों छुपाया जा रहा है? युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हो गए हैं, अब हम लोग पकौड़े तल सकते हैं, पकौड़े के नए रोजगार खुले हैं, और हम लोग नाली से गैस, जो नाली वाली गैस है उसका भी इस्तेमाल करके चाय बनाएंगे। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जितने पिछले 1.5 साल में हुई। भर्ती निकालना और फिर रद्द कर देना, ये समझ लीजिए आजकल का स्कैंडल ही हो गया है कि अपना कोष भरो, इसके बाद में जब आम पब्लिक का पैसा आपकी जेब में आ जाए तब आप भर्ती कैंसिल कर दो। उतना ही कहना चाहिए जितना आदमी करीब करीब इसके अमल कर सके, ये तो कुछ नहीं अमल कर पाया आदमी, बहुत भ्रष्ट आदमी है। जप मारने की अधिकतम सीमा होती है, ठीक है, जो देना हो वही कहा जाए, नहीं तो गडकरी की तरह अगर जो वादे किए जाते नहीं पूरे होंगे तो हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत जल्दी राजी भी होती है और कुराजी भी बहुत जल्दी हो जाती है, और वो बगैर फीते का जूता पहनते रखती है। बेरोजगारी इस सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ी है, आंकड़े बता रहे हैं। लंबे लंबे वादे कुर्सी के लिए करते हैं लेकिन बेरोजगारी दूर करना संभव नहीं लगता है। अच्छे दिन तो नहीं आए हैं, हमें लगता है कि दिन खराब हो गए हैं लोगों के। अच्छे दिन नहीं है तो बुरे दिन आ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकार का अच्छे दिन है, कुछ तो अच्छे दिन है। अच्छे दिन तो अडानी अंबानी और नीरू मोदी के आए हैं, आम आदमी के नहीं आए। अच्छे दिन आए हैं लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के अच्छे दिन आए हैं, चुनिंदा कंपनियों के अच्छे दिन आए हैं, देश के आम नागरिक के अच्छे दिन नहीं आए हैं अभी तक। तो अच्छे दिन आए नहीं खैर, और आगे मुझे लग रहा मोदी जी रहेंगे तो आएंगे भी नहीं।